दोस्तों, अगर आप भी डेविड वार्नर और शिखर धवन को खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, डेविड वार्नर पृथ्वी और रूसो की विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद आया पंजाब के बल्लेबाजों का कहर। जी हां दोस्तों, 10 साल के बाद धर्मशाला के मैदान पर महामुकाबले में डेविड वार्नर पृथ्वी और रूसो ने तूफानी बल्लेबाजी कर गेंदबाजों को निस्तेनाबूद किया। वहीं लक्ष्य का पीछा कर पंजाब के बल्लेबाजों ने इस कदर तूफानी बल्लेबाजी की जिसके चलते रोमांच का माहौल सातवें आसमान पर पहुंच गया। तो आखिरकार कैसे दिल्ली के बल्लेबाजों के बाद पंजाब के बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी कर मुकाबले को रोमांचक बनाया, ये तो आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शिखर धवन, डेविड वार्नर और ऋषभ पंत में से कौन है बेहतरीन कप्तान और बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल 2023 का 64वां मुकाबला आईपीएल की दो मजबूत टीम दिल्ली और पंजाब के बीच पंजाब के घरेलू मैदान धर्मशाला स्टेडियम पर खेला गया। इस दौरान पंजाब के कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो गलत साबित हुआ क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 213 रन दो विकेट खोकर बना दिया। इस मुकाबले में पंजाब की टीम दो और दिल्ली की टीम तीन बदलाव के साथ मैदान पर आई, जहां पर दिल्ली की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत कप्तान डेविड वार्नर और पृथ्वी की विस्फोटक सलामी जोड़ी ने करी। दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए सैम करन आए, जिन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में 4 रन आए। हालांकि पहले दो ओवर के अंदर मात्र 6 रन आने के बाद डेविड वार्नर और पृथ्वी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए कोहराम मचाना प्रारंभ कर दिया। इस दौरान 5 ओवर की समाप्ति तक 50 रन का आंकड़ा दिल्ली की टीम ने पार किया और पावर प्ले की समाप्ति तक 61 रन बिना विकेट खोकर दोनों बल्लेबाजों ने बना लिए। हालांकि दोनों बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली। इस दौरान डेविड वार्नर का 39 रन के स्कोर पर राहुल चहर ने आसान सा कैच छोड़ दिया, लेकिन इसके बाद डेविड वार्नर और भी ज्यादा आक्रामक हो गए। लेकिन इसी बीच 11 ओवर में सैम करन ने पहला झटका 94 रन के स्कोर पर दिल्ली को दे दिया। इस दौरान दोनों ने मिलकर 65 गेंदों पर 94 रन की साझेदारी की। लेकिन किसी भी सैम करन ने डेविड वार्नर को शिखर धवन के हाथों शानदार कैच के चलते कैच आउट करा दिया, जहां पर डेविड वार्नर 31 गेंदों पर 149 के स्ट्राइक रेट से 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से 46 रन की पारी खेली। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रायली रूसो मैदान पर आए, तो वहीं दूसरी तरफ से जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे पृथ्वी ने इस आईपीएल का अपना पहला अर्धशतक 14 ओवर में 36 गेंदों पर लगाया और फॉर्म में शानदार वापसी भी कर ली। लेकिन इसी बीच दिल्ली को दूसरा झटका भी सैम करन ने 15 ओवर में दे दिया, जहां पर उन्होंने 29 गेंदों पर 54 रन की साझेदारी रूसो के साथ करी। इस दौरान बल्लेबाज पृथ्वी को अथर्व के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें, पृथ्वी ने इस मुकाबले में 38 गेंदों पर 143 रन के स्ट्राइक रेट से 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 54 रन की पारी खेली, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सॉल्ट मैदान पर आए। हालांकि अब मात्र 5 ओवर बचे थे, ऐसे में सॉल्ट और रूसो ने तूफानी बल्लेबाजी कर अंतिम 5 ओवर में 65 रन बटोरे, जहां पर दोनों के बीच 32 गेंदों पर 65 रन की नाबाद साझेदारी हुई। इस दौरान रूसो ने 16 ओवर में 25 गेंदों पर अपना आईपीएल के इतिहास का पहला अर्धशतक पूरा किया, तो वहीं अंतिम ओवर में 23 रन बटोर कर दिल्ली ने बेहतर समाप्ति की, जहां पर सॉल्ट ने 14 गेंदों पर 186 के स्ट्राइक रेट से 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 26 रन की नाबाद पारी खेली। दूसरी तरफ से रूसो ने 37 गेंदों पर 222 के स्ट्राइक रेट से 6 चौके और 6 छक्कों की मदद से 82 रन की पारी खेली, जिसके चलते दिल्ली की टीम ने 20 ओवर में 213 रन दो विकेट के नुकसान पर बना दिए। इस दौरान पंजाब के लिए सैम करन इकलौते विकेट टेकर गेंदबाज रहे, जिन्होंने दोनों विकेट लिए। तो वहीं 214 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जैसे पंजाब की टीम मैदान पर आई, तो पंजाब की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत तो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में शामिल हुए मैथन एलिस की जगह प्रभ सिमरन सिंह और कप्तान शिखर धवन ने की। तो वहीं दिल्ली के लिए इंपैक्ट प्लेयर के रूप में पृथ्वी की जगह पर मुकेश कुमार आए। इस दौरान गेंदबाजी की शुरुआत खलील अहमद ने की। इस दौरान खलील अहमद ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में बल्लेबाज प्रभ सिमरन को काफी ज्यादा परेशान किया और एक भी रन न देते हुए मिडन ओवर से शुरुआत की। इसी बीच अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए ईशांत शर्मा आए, जिन्होंने पहली गेंद पर शिखर धवन को गोल्डन डक के रूप में अमन खान के हाथों कैच आउट करा दिया और बिना खाता खोले पंजाब को सबसे बड़ा झटका दे दिया। जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए अथर्व मैदान पर आए, तो वहीं इस ओवर में प्रभ सिमरन से मिले चौका लगाकर ओवर में 7 रन बटोरे। तो वहीं एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए खलील अहमद आए, मात्र 3 रन वहीं पर गेंदबाजी के लिए दिए और दबाव बल्लेबाज पर बनाया। लेकिन इसी बीच जैसे चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए ईशांत शर्मा, तो उनके सामने प्रभु सिमरन ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके लगाते हुए ओवर में 13 रन बटोर कर दिखाया कि बल्लेबाज इस मुकाबले को रोमांचक बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो वहीं अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एनरिक नॉर्की आए, जिनके सामने दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी कर 13 रन बटोरे। तो वहीं पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मुकेश कुमार आए, जिनके सामने दोनों बल्लेबाजों ने 11 रन बटोरे और पावर प्ले की समाप्ति तक 47 रन एक विकेट के
नुकसान पर पंजाब ने बना दी। इसी बीच सातवें ओवर में अक्षर पटेल ने प्रभु सिमरन को 19 गेंदों पर चार चौकों की मदद से 22 रन बनाने के बाद कैच आउट यश के हाथों कराया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने लिविंगस्टन आए और 8 ओवर में लिविंगस्टन को 3 रन के स्कोर पर एनरिक ने आसान सा कैच छोड़ दिया और इसी के साथ 9 ओवर की समाप्ति तक 63 रन 2 विकेट के नुकसान पर पंजाब ने बनाए। और जैसे बल्लेबाजी चल रही थी उसे देख लग रहा था कि मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस मुकाबले में जीत के हीरो कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।